प्रदेश की सियासत में SYL फिर गर्म होने जा रहा है। पंजाब के जल संसाधनों पर 23 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाने के साथ ही हरियाणा विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। संभावनाएं हैं कि इस महीने SYL का फिर बवाल शुरू हो जाए। प्रदेश की सियासत में 40 साल से फुटबॉल बना SYL का मुद्दा फिर सर्दी में भी गर्मी का एहसास करवा सकता है। अव्वल तो इसी महीने ये मुद्दा फिर सुलग सकता है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को पंजाब के जल संसाधनों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पंजाब ने कल ही विधानसभा में जल संसाधन प्रबंधन एवं नियंत्रण पर एक बिल पास किया है। चूंकि 23 जनवरी को पंजाब की सर्वदलीय बैठक में जल संसाधनों पर चर्चा में SYL भी एक मुद्दा होगा, उससे पहले 20 जनवरी को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हो सकता है कि इस सत्र में हरियाणा के नेता भी ये मुद्दा उछाल दें। अरे 20 साल से नहीं मिला, हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक इतना बड़ा काम करके निर्णय तो करा दिया, निर्णय कराया तो वो भी देखेंगे, लेकिन हम जल्दी उम्मीद करें। उसके बावजूद भी हमने जितने प्रबंधन किए हैं पानी के, आखिरी टेन तक पानी पहुंचाया है, हमारे पास अवेलेबल पानी उसका प्रबंधन करना। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को SYL पर एक राय बनाने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपना आखिरी फैसला सुना देगा। इधर इस मसले पर 2+5 मुद्दे के संयोजक सत्यवीर हुड्डा ने अगले महीने दिल्ली के किसान घाट पर किसानों को लेकर धरने का फैसला लिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला भी SYL को लेकर फिर आंदोलन छेड़ने की बात कह चुके हैं। ले देकर अब पंजाब के चलते हरियाणा को भी सर्वदलीय बैठक बुलाने और SYL के पानी के लिए संघर्ष करने का मादा दिखाना होगा। गेंद अब हरियाणा नहीं मुख्यमंत्री के पाले में है, क्योंकि विपक्ष CM पर लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने और प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने की मांग कर रहा है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब में पानी के बंटवारे के लिए 31 दिसंबर 1981 में सहमति बनने के बाद 2012 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करना था। हरियाणा के हिस्से में 91 और पंजाब की 121 किलोमीटर नहर का निर्माण होना था। पंजाब के करपुरी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नहर का निर्माण शुरू करवाया। हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर पूरी कर दी, पर पंजाब में आतंकवादियों ने नहर निर्माण में लगे 2 इंजीनियर्स और 30 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहले आतंकवाद के चलते और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद ये मसला 40 साल से नहीं निपटा, बल्कि सियासत से जुड़े लोग इस पर लगातार फसल काटते रहे और अब फिर ये मुद्दा लहराने लगा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वेदर कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।